Hi guys and welcome back to Humanities. So I am here with the part 2 of economics video. ये part 2 है, अगर तुमने part 1 नहीं देखा तो make sure to watch it first. ये part 2 है क्योंकि इसमें हम Indian economic development के बारे में बात करेंगे. We'll be discussing the most important chapters, topics, what to study, what not to study, the books. इसमें मैं extra reference books बता रही हूँ और notes बता रही हूँ. And then the strategy plus study plan to score 40 out of 40 in these remaining 2 months. ठीक है? So make sure to watch this video till the end so that you get 40 out of 40. Now let's come get into the video. So now coming on to the syllabus, the most important chapters and the most important topics of Indian economic development, जो कि 2 साल पहले ही न्यू ऐड हुई है 12th के सिलेबस में. पहले ये 11th क्लास वाले बच्चे पढ़ते थे बट अब 12th में कर दी गई है क्योंकि पता नहीं क्यों लोग इसे टफ कंसिडर करते हैं. आई थिंक इट इज वेरी वेरी इजी एस्पेशली फॉर ऑल दी आर्ट स्टूडेंट्स. तुम्हारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूनिट वाइज, हम वेटेज से कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है. तो हमारे यूनिट 1 जो कि हमारा पूरा डेवलपमेंट वाला एक्सपीरियंस है जिसके अंदर हमारी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आती है एंड आफ्टर दैट आती है वो, और यूनिट 2, ठीक है, दोनों मिलके 12 मार्क्स की है. इसमें इन दोनों को सेपरेट 6-6 नहीं बोला गया है, टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 12 मार्क्स. ठीक है, यूनिट 2 जो कि इकोनॉमिक रेफरेंस है जिसमें लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वगैरह है. ठीक है, और हमारी यूनिट 3 जिसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं वो है 22 मार्क्स की. ठीक है, तो हमें ऑब्वियसली पता चल रहा है कि सबसे पहले हमें अपनी यूनिट 3 पक्का करनी है. वी हैव टू डू एवरीथिंग इन यूनिट 3 क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है और सबसे ज्यादा चैप्टर्स है. कमिंग ऑन टू यूनिट 4 जो कि नेबर्स के बारे में है, वो 6 मार्क्स की है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, वो हम बाद में भी कर सकते हैं. तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड यूनिट वाइज क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं. कमिंग ऑन टू यूनिट 1, अब यूनिट 1 हमारी 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है जो कि सबसे पहला है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. बेसिकली इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी वो है, और दूसरा है इंडिपेंडेंस के बाद 1950 से 1990 तक क्या हालत थी हमारी इंडियन इकोनॉमी की. तो अब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो हमें ये डिफरेंट सब टॉपिक्स दे रखे कि इकोनॉमी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर और फॉरेन पॉलिसीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब के बारे में हमें रीडिंग लगानी है और जो भी स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं हमें याद होने चाहिए. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या सीन था, हमें 5 ईयर प्लान्स कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, सेकेंड में क्या था वो पता होना चाहिए, और उसमें एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और ट्रेड पे सेपरेट पैराग्राफ्स है वो भी वी हैव टू रीड. ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा ही ईजी वाला है एंड वी हैव टू रीड इट एंड मेमोराइज इट. नाउ कमिंग ऑन टू यूनिट 2, इकोनॉमिक रेफरेंस. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें बस 3 टॉपिक करके जाने हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, उसके बाद सीबीएसई ने इसमें क्या क्या ऐड करा है, 2 टॉपिक्स, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी. ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू रीड अपॉन दीज 2 टॉपिक्स एज वेल. ठीक है, ये है हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन 2 यूनिट्स में. नाउ कमिंग ऑन टू यूनिट 3 जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसमें मैंने इन डेप्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं. हमारी यूनिट 3 का सबसे पहला चैप्टर है पॉवर्टी. ठीक है, हमें पॉवर्टी के बारे में पता होना चाहिए. अब इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, हमें पॉवर्टी लाइन बताई गई है कि कैसे निकालते हैं वो वी हैव टू नो. ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, और बाकी टाइप्स भी दिए गए हैं जैसे कि क्रॉनिक वगैरह, वो सब वी हैव टू नो देम. ठीक है, एंड उसके बाद ये तीसरा सबसे मेन टॉपिक कि पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स क्या क्या है, क्या प्रोग्राम्स है जिससे पॉवर्टी घटाई जा सकती है. तो ये 3 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पॉवर्टी से, लाइन, टाइप्स और प्रोग्राम्स. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड चैप्टर जो कि है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन.
ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सोर्सेस, ठीक है, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, कि हाउ आर दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिसोर्सेज, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में है बुक के। और हम HCF किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी और एजुकेशन, इन दो सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है, इसमें रीडिंग लगा लेना, बाकी सोर्सेज ही मोस्टली पूछा जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड चैप्टर, रूरल डेवलपमेंट, इसमें से हमारे क्या है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नंबर वन क्रेडिट एंड मार्केटिंग, ठीक है, इसके अंदर आता है हमारा SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी में से बनता है क्वेश्चन इस चैप्टर का, कोऑपरेटिव वो होती है ये, सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके बाद है हमारा सस्टेनेबल वाला ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रूरल डेवलपमेंट के। नाउ कमिंग ऑन टू एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर हमारा, जो कि फोर्थ चैप्टर है इस यूनिट के अंडर, इसमें हम तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे फिर से, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में, कि फॉर्मल से इनफॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मलाइजेशन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड में डिफरेंस, ठीक है, एंड उसके बाद हम सीधा सीधा प्रॉब्लम्स फेस्ड और पॉलिसीज फॉर द सोल्यूशन पता लगाएंगे, ये तीन टॉपिक्स करने हैं एंड वील बी डन विद दिस चैप्टर। नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ चैप्टर जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, मीनिंग एंड रेलेवेंस, ठीक है, रेलेवेंस पढ़ लेना, मीनिंग तो पता ही होता है, रेलेवेंस को याद कर लेना, एंड टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में बस ये रीडिंग लगाना यार, ये चैप्टर ना उतना इन डेप्थ यू नो डिटेल्स में जाके एकदम अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, आई वुड से रीड करो ये वाला चैप्टर सिर्फ, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड देन सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजीज, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है, स्ट्रैटेजीज टू टैकल दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, कि क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर दी स्टेप्स, एंड ग्लोबल वार्मिंग, हम ये दो टॉपिक करेंगे इस चैप्टर से बाय हार्ट, ठीक है। दिस इज एवरीथिंग अबाउट यूनिट 3 एंड इवन यूनिट 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम अच्छे से करके जाएंगे, इनमें से ही आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू यूनिट 4। हाँ, तो यूनिट 4 मैंने सेपरेटली नहीं लिखा है, इधर लिखा था मैंने नेबर्स, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 4 में हम सीधा सीधा इंडिया एंड पाकिस्तान और इंडिया एंड चाइना, ठीक है, इन दो कंट्रीज के रिलेशंस पढ़ेंगे ऑन स्पेसिफिक सब पॉइंट्स, जैसे कि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इस सब पे। इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, 6 मार्कर है, बट हमें पढ़ के जाना ही है इन दो कंट्रीज पे, इंडिया एंड पाकिस्तान का रिलेशन एंड इंडिया एंड चाइना ऑन सम 4 to 5 सब टॉपिक्स, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द बुक्स टू बी रेफर्ड, ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द बुक्स, नोट्स वगैरह सब कुछ, कि कहाँ से पढ़े हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इज NCERT एनफ, टोटली नो, ठीक है, NCERT इज जस्ट फॉर योर रीडिंग रेफरेंस, ठीक है, रीड करो NCERT अच्छे से, ठीक है। नाउ आई टेल यू, देखो ये है हमारी NCERT फॉर दिस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये है हमारी NCERT, है ना। अब इसमें ना फॉर्मेशन ऑफ आंसर्स नहीं दी हुई, ठीक है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है, पॉइंटर्स है, ठीक है, आंसर्स फॉर्म नहीं हो रखे। अब हमें चाहिए कोई ऐसी बुक जिसमें एकदम पॉइंटर्स हो, जिससे हम देख के एकदम आंसर चिपका आए अपनी अपने आंसर शीट्स में, ठीक है। नाउ आई बी टेलिंग यू अ रेफरेंस बुक फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच आई यूज्ड, ओके, ठीक है, ये है हमारी VK ओरी वाली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो, आई टेल यू कि इसमें क्या खासियत है, इसमें हर एक टॉपिक के पॉइंटर्स हैं, जैसे हम आंसर में लिखेंगे ना वैसे पॉइंटर्स। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, ऐसे ऑलमोस्ट 8 to 10 पॉइंटर्स होते हैं हर एक टॉपिक के, जिसमें से हम आराम से लिख सकते हैं अपने आंसर में। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सारे पॉइंटर्स दिए गए हैं। दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर आंसर राइटिंग, तो आई वुड टोटली रिकमेंड दिस टू यू। लिंक मैं Amazon से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बुक्स एंड नोट्स। तो नोट्स की बात करें तो तुम अपने नोट्स बना सकते हो बुक से देख के, तुम अपने ट्यूशन वाले नोट्स ले सकते हो, बट आई वुड टोटली रिकमेंड VK ओरी फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
नाउ कमिंग ऑन टू दी स्ट्रैटेजी दी स्टडी प्लान कि हम कैसे पढ़ाई करें. प्लान क्या होगा हमारा, प्लान ऑफ एक्शन इन द नेक्स्ट टू मंथ्स. 2 महीने रह गए हैं हमारे इको के पेपर के लिए. 25 मई को है हमारा एग्जाम. नाउ हाउ टू स्टडी, कैसे क्या पढ़ें. अब देखो, स्ट्रैटेजी टू स्कोर 40 out of 40 इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सी यूनिट क्या तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए और कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या आएगा. अब देखो, यूनिट 3 में हमने पढ़ा 7 to 8 चैप्टर्स है ना. तो अगर तुम पूरा मार्च लगा के यूनिट 3 भी कर लो ना ढंग से, और बाकी यूनिट 1, 2 और 4 तो यार इतना कुछ नहीं है सच में. ठीक है, यूनिट 2 में तो बस वो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन है. यूनिट 1 में 2 चीजें हैं, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाली और आफ्टर दैट, और फोर्थ में तो है ही बस नेबर्स. ठीक है, तो यूनिट 3 पूरा मार्च लगा के कर लो. मैं तो इतनी लीवेज दे रही हूँ तुम्हें, पूरा मार्च कह रही हूँ टू स्पेंड ऑन यूनिट 3. अब कैसे, हाउ टू डू इट. ठीक है, हाउ टू डू इट, जो मैंने टॉपिक्स बताए अभी 2 मिनट पहले, मैंने जो तुम्हें टॉपिक्स लिखवाए हर एक चैप्टर के अंडर, उनके सेपरेट नोटबुक बनाओ और आंसर्स लिखो. कैसे आंसर्स, जैसे मैंने तुम्हें वीके ओरी में दिखाया ना पॉइंटर्स, अगर वो क्वेश्चन आ गया बोर्ड्स में तो जैसा तुम वहां पे आंसर लिखोगे वैसे अपनी न्यू नोटबुक बना के लिखो उसमें आंसर्स. ठीक है, अब ऐसा क्यों, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया है इकोनॉमिक पार्ट 1 की, उसमें मैंने बताया है कि क्यों, क्योंकि हमारा माइंड कॉपी पेस्ट कर देता है. वो रोबोट वाली मूवी में जैसे होता है ना, वो ऐश्वर्या राय पेपर दे रही होती है और वो रोबोट ऊपर से लेजर मारता है और वो सारा छप जाता है उसके पेपर में, वो वाला सीन हो जाता है अगर हम अपने आंसर्स पहले से न्यू नोटबुक में जैसे हम बोर्ड्स में लिखेंगे वैसे बना के रखें. ठीक है, सो ऐसे हम करेंगे पूरा यूनिट 3 मार्च में, एंड अप्रैल में हम यूनिट 1, 2 और 4 करेंगे. ऐसे ही सेम सारे आंसर्स राइट डाउन करके उन टॉपिक्स के जो मैंने तुम्हें अभी बताए. ठीक है, दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ स्कोरिंग 40 out of 40. हर एक टॉपिक का पूरा पॉइंटर्स बना के आंसर लिख के रखो अपनी सेपरेट नोटबुक में. ठीक है, ताकि अगर वो सेम क्वेश्चन पॉपअप हो जाए हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में तो हम पूरा वही आंसर छाप दे रोबोट की तरह, चिट्टी की तरह. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, सब कुछ जो मैंने बताया फॉलो इट, इट विल हेल्प यू, यू विल सी द डिफरेंस. एंड या प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर कोई भी हेल्प हो रही है तो. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग.